आई एम मिस्टर आर के वर्मा द माई टीचर ऑफ साई सेनरी स्कूल। ओके, हम क्लास 8 का अब एक्सरसाइज नंबर 1 ई पढ़ाएंगे, जो आपको डिवीजन रूल कहेगा। इसके पहले एडिशन पढ़ा दिए हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ा दिए हैं, मल्टीप्लाई पढ़ा दिए हैं और डिवाइड पढ़ाएंगे। अब डिवाइड का रूल कहता है बेटा, अगर टू रेशियो नंबर a बाई b और c बाई d है, अगर a बाई b से c बाई d में डिवाइड करोगे तो c बाई d जो होगा वह जीरो नहीं होनी चाहिए। c बाई d नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज डिवाइजर कभी जीरो नहीं होता है। अगर डिवाइजर जीरो हो जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसलिए अब यहाँ पर देखिए रूल लिखिए, इफ a बाई b एंड c बाई d आर द टू रेशियो नंबर सच डेट c बाई d इज नॉट इक्वल टू जीरो, वी डिवाइड द रेशियो नंबर। यस, a बाई b और c बाई d को डिवाइड किए, या क्यों जीरो नहीं होगा आपको मैं बता चुका, क्योंकि ये डिवाइजर है। डिवाइजर जीरो होगा तो वो नॉट डिफाइंड होगा। जैसे 5 बाई जीरो, ये क्या होता है, वो नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिवाइजर जीरो हो गया। तो यहाँ पर a बाई b डिवाइड c बाई d है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में करूँगा तो संख्या क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, उलट जाती है। तो a बाई b इंटू d बाई c हो गया। तो वेन a बाई b डिवाइड c बाई d, देन a बाई b इज कॉल्ड द डिविडेंट। a बाई b को क्या बोलेंगे हम लोग, डिविडेंट बोलेंगे, एंड c बाई d आर कॉल्ड द डिवाइजर, एंड द रिजल्ट आर नोन एज द कोशियन। तो आप छोटी क्लास में पढ़ेंगे बेटा ऐसे डिवाइड देते हो, तो यहाँ को डिवाइजर बोलते हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, a c बाई d है, और डिविडेंट क्या है बुआ, a बाई b है, और क्वेश्चन क्या आएगा जो आएगा तो देखा जाएगा। तो ये रूल क्या कहता है, 9/16 डिवाइड बाई 5/8, तो 9/16 डिवाइड बाई 5/8, डिवाइड को इंटू में करूंगा क्या होगा, 8/5, कटा दिए 8 + 16 मल्टीप्लाई किए, 9 1 या 9, 2 5 या 10, 9/10 इट इज योर आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 9/40 डिवाइड बाई -3/8, तो 9/40 डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, -8/3 हो जाएगा, कटा दिए और आपका आंसर क्या आ गया, 3/5 इट इज योर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 में कहता है बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ द टू रेशियो नंबर इज जितना, इफ वन नंबर इज गिवेन फाइंड द अदर। तो जब फाइंड द अदर कहेगा तो लेट द अदर नंबर इज एक्स, तो लेट द अदर रेशियो नंबर इज एक्स, देन एक्स इंटू किसी को रखा जाता है -4/9, तो क्या कहता है, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -28/27। तो ये सब किसके बराबर होगा, -28/27 होगा। एक्स को सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स होगा इंटू मिलाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड को फिर इंटू में कन्वर्ट कर तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। कटा दिए, कटाने के बाद आ गया आपको 7/3, तो आपको 7/3 जो होगा वह अदर नंबर होगा, इट इज योर आंसर। अब इसका प्रॉपर्टी में आ जाइए, क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ ए बाई बी एंड सी बाई डी आर द टू रेशियो नंबर सच डेट सी बाई डी नॉट इक्वल टू जीरो, एंड ए बाई बी डिवाइड सी बाई डी इज ऑल्सो द रेशियो नंबर, यानी दो रेशियो नंबर को अगर भाग देते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, रेशियो नंबर होगा। जैसे 5/7 इज रेशियो नंबर, 15/14 इज इक्वल टू रेशियो नंबर, डिवाइड किए तो जो आपको रिजल्ट आया 2/3 इज ऑल्सो द रेशियो नंबर। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड आपको जो आप सेकंड नंबर जो आपको प्रॉपर्टी जो कहता है बाबू, सेकंड प्रॉपर्टी आपको कहता है कि फॉर एवरी रेशियो नंबर ए बाई बी इज डिवाइड बाई 1, द रिजल्ट विल बी सेम रेशियो नंबर, एंड किसी रेशियो नंबर से एक से डिवाइड करोगे तो पूरा वही रेशियो नंबर होगी। जैसे 5/3 डिवाइड 1 करोगे तो 1 को डिवाइड इनटू करोगे तो 1/1 होगा, देखो यार 5/3 आ रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, इफ द रेशियो नंबर डिवाइड बाई इटसेल्फ रिजल्ट इज 0, रिजल्ट इज 1, आई एम सॉरी रिजल्ट इज 1, अगर किसी रेशियो नंबर को उसी रेशियो से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट का आएगा 1। जैसे a बाई बी डिवाइड a बाई बी है तो उल्टेगा तो क्या हो जाएगा, b बाई ए, b से b कट गया, a से कट गया 1/7/2 डिवाइड बाई 7/2, तो 7/2 कट गया तो क्या आ गया 1 × 1, अर्थात 1 आ गया इसका रिजल्ट। एक्सरसाइज 1 ई एंड हो गया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1 ए पढ़ा रहा हूँ।